हम टीचर एस्पिरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जो 2018 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस वक्त जो उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब थे और उसके साथ जो एडवाइजरी काउंसिल था, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने तमाम टीचर वैकेंसीज़ को फ्रीज़ कर दिया 10 साल के लिए, ताकि तमाम RETs और RRETs को उसमें अब्ज़र्व कर दिया जाए। तो हम ये चाहते हैं जो हाईली क्वालिफाइड यूथ्स हैं, जो जिन्होंने BEd किया है, MEd किया है, PhD नेट क्वालिफाइड है, तो ये जाए कहाँ? तो हम ये चाहते हैं कि उस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और जो वैकेंसीज़ है जिनको फ्रीज़ किया गया था उनको डिफ्रीज़ किया जाए और जल्द अज़ जल्द जो नई टीचिंग वैकेंसीज़ है उनको SSRB को रेफ़र किया जाए, उनको एडवर्टीज़ किया जाए। दूसरी बात ये कि ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी टीचर 2019 तक विदाउट BEd नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है ये टोटली डिस्क्रिमिनेटरी है और जो राइट टू इक्वालिटी गवर्नमेंट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविज़न है उसको वायलेट करता है, जिसमें हाईली क्वालिफाइड जॉब एस्पिरेंट्स जो है उनको डिप्राइव किया जाता है अपने कोटे से। ऑलरेडी जो पास प्रैक्टिस थी डिपार्टमेंट में, उसमें प्रमोशंस भी चलती थी डिपार्टमेंटल और फ्रेश वैकेंसीज़ को रेफ़र भी किया जाता था SSRB के लिए और ये बैलेंस्ड तरीके से चलता आ रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के गवर्नर साहब और उसके एडवाइजरी काउंसिल ने इस डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर को उस वक्त पास किया, जिसको आज तक रिवोक नहीं किया गया। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नारा है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के यूथ्स को गले लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो इस मसले की तरफ ध्यान दें, और वाकई अगर वो चाहते हैं यहाँ के यूथ्स को गले लगाने के लिए तो इस ऑर्डर को जल्द अज़ जल्द रिवोक किया जाए। डिमांड है कि जो 2018 में जो ऑर्डर पास किया था जिसमें तमाम टीचिंग वैकेंसीज़ को फ्रीज़ कर दिया गया 10 साल तक, हम चाहते हैं कि उसको डिफ्रीज़ किया जाए, उस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और फ्रेश वैकेंसीज़ जो है टीचर्स की उसको जल्द अज़ जल्द SSRB को रेफ़र किया जाए और उसको एडवर्टीज़ किया जाए। दूसरी बात यह कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टीचर्स के लिए, उसको मिनिमम जो है वो ग्रेजुएट विद BEd रखना चाहिए और उसमें आप देख रहे हैं हाईली क्वालिफाइड यूथ्स इस वक्त जा रहे हैं, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कोई फ़ायदा फिर नहीं है। आप देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास की थी 2020 में, उसमें क्लियरली कितनी वेटेज उन्होंने टीचिंग कोर्सेज को दी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद जानती है, लेकिन यहाँ पे उसके कंट्ररी होता है। यहाँ पे उन पॉलिसीज़ को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कोई रिगार्ड नहीं किया जा रहा है।